starting about with the session number 5th of your chapter, why do we fall ill? And in this session, we are going to discuss about types of diseases. So guys, abhi tak session number 4th mein humne discuss kiya tha ki disease kya hoti hai. Clear? We have discussed about diseases. But baat aati hai ki jo diseases hoti hai wo kitne types ki hoti hai. हमने वहाँ पे एक्यूट और क्रोनिक डिसीज के बारे में तो स्टडी कर लिया था कि एक्यूट डिसीज वो डिसीज होती है जिनका टाइम पीरियड काफी स्मॉल होता है, जबकि जो क्रोनिक डिसीज होती है वो डिसीज होती है जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो काफी लॉन्ग होता है. क्लियर? वहाँ पे हमने क्रोनिक एक्यूट डिसीज के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो डिसीज है उनके और क्या टाइप्स हो सकते हैं वो हम इस सेशन में स्टडी करने चाह रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद टाइप्स ऑफ डिसीजेस. तो जो ह्यूमन डिसीजेस हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट कॉन्जिनिटल डिसीजेस एंड सेकंड एक्वायर्ड डिसीजेस. क्लियर? जो ह्यूमन डिसीजेस हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, कॉन्जिनिटल डिसीजेस एंड एक्वायर्ड डिसीजेस. क्लियर? तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये डिसीजेस क्या क्या होती हैं और कैसे इनके सिम्टम्स होते हैं. सबसे पहले बात आती है कॉन्जिनिटल डिसीजेस कौन सी डिसीजेस होते हैं. दीज डिसीजेस आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ. ये ऐसी डिसीज होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल में उसके बर्थ से प्रेजेंट रहती हैं. दीज आर ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन. ये किसकी वजह से होती है? ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं, माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन की वजह से भी क्रिएट हो सकती हैं. क्लियर? ऑल्सो दीज आर परमानेंट, जनरली नॉट इजीली क्यूरेबल. ये डिसीज जो होती है परमानेंट होती है और इन्हें इजीली क्योर, इनका जो क्योर है वो इजीली नहीं किया जा सकता. दैट इज दीज आर परमानेंट एंड जनरली नॉट इजीली क्योरेबल डिसीजेस. दीज आर पास टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द पेरेंट्स. ये चिल्ड्रंस में उनके पेरेंट्स के थ्रू पास हो जाती हैं. अब बताती है एक्वायर्ड डिसीजेस क्या होती हैं. दीज डेवलप आफ्टर बर्थ एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू इन्फेक्टियस डिसीजेस और कम्युनिकेबल डिसीजेस. ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस. इन्फेक्टियस को कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं और नॉन इन्फेक्टियस को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं. क्लियर? दैट एक्वायर्ड डिसीजेस डेवलप आफ्टर बर्थ एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेस. इन्फेक्टियस डिसीजेस आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेस आर ऑल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. अब बात आती है जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है वो क्या होती है. दीज आर कॉज्ड ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्टिशियस एजेंट्स और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कैपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन और फ्रॉम द एनवायरमेंट टू मैन. क्लियर? ये डिसीज किसकी वजह से होती है? कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्टिस एजेंट्स की वजह से होती है या फिर जो वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं उनकी वजह से होती है. ये डिसीज के जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैन टू मैन या फिर एनवायरमेंट टू मैन ट्रांसमिट होते रहते हैं और उसकी वजह से ये जो डिसीज है वो स्प्रेड होती रहती है. क्लियर? दैट कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्टियस एजेंट्स और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कैपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिट फ्रॉम मैन टू मैन और फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द मैन. Actually, these are caused by the attack of microorganisms like bacteria, viruses, fungi or protozoans. ये किसकी वजह से होती हैं? ये जो microorganisms हैं उनके attack की वजह से होती हैं, जैसे bacteria हुए, virus हुए, fungi, protozoans हुए, इनकी वजह से ये spread होती हैं. Clear? अब बात आती है जो non-communicable diseases हैं वो क्या होती हैं? These diseases do not spread from infected person to a healthy person by contact. एंड आर रेस्ट्रिक्टेड टू द पेशेंट. ये जो डिसीज होती है ये क्या होती है? ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे स्प्रेड नहीं होती है. दैट इज दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होगी, उनके किसी कॉन्टेक्ट से या पेशेंट तक ही रेस्ट्रिक्ट रहते हैं. दैट इज ये कम्युनिकेबल नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट डिसीज, ये सब क्या है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है. क्लियर? दीज आर मेटाबॉलिक डिसीजेस एंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डेफिशिएंसी डिसीजेस एंड डीजनरेटिव डिसीजेस. जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है ये मेटाबॉलिक डिसीजेस होती है और अगेन से इन्हें हम क्लासिफाई कर देते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस में और डीजनरेटिव डिसीजेस में. अब बताते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होती है.
दीज आर कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. ये किसकी वजह से होती है? कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी डाइट में, और उसी की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं वो क्रिएट होती हैं. एग्जाम्पल के लिए यदि प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, इनकी डेफिशियंसी हो जाएगी तो हमें डेफिशियंसी डिसीज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरेस्मस हुआ, एनीमिया हुआ, गोइडर हुआ, बेरीबेरी हुआ, ये सब जो डेफिशियंसी डिसीज हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ टॉकिंग अबाउट डीजेनरेटिव डिसीजेस, दीज आर कॉज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड डीजेनरेशन ऑफ टिश्यूज इन ओल्ड एज. ये किसकी वजह से होती हैं? ये जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके माल फंक्शनिंग की वजह से होती हैं, और डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज इन ओल्ड एज, या फिर जो टिश्यूज होते हैं उनका डीजनरेशन हो जाना, ओल्ड एज में उनका डैमेज हो जाना, उसकी वजह से जो डीजनरेटिव डिसीजेस हैं वो स्प्रेड होते हैं. क्लियर? दैट डीजनरेटिव डिसीजेस आर कॉज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज इन ओल्ड एज. फॉर एग्जाम्पल किडनी फेलियर इज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी. किडनी फेलियर किसकी वजह से होता है? जो किडनी है उसके इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से किडनी फेलियर होता है. कैंसर इज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. कैंसर किसकी वजह से होता है? यदि जो टिश्यूज हैं वो प्रॉपर ग्रोथ कर, दैट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, कोई भी अफेक्टेड टिश्यू है उसकी यदि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता रहे किसी भी पार्ट में बॉडी के में, तो क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है. क्लियर? दैट किडनी फेलियर इज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, एंड कैंसर इज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. अब बात आती है जो ये डिसीज है वो स्प्रेड क्या कैसे होती है, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं. तो जो डिसीज है उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन नॉर्मली डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है. क्लियर? डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बाय ड्रॉपलेट्स, बाय कॉन्टेक्ट विद सॉयल, एंड बाय इनोक्यूलेशन, दैट इज वैक्सीनेशन के थ्रू भी हमारे जो डिसीजेस हैं वो पर्सन में पास आउट हो सकते हैं. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे यदि हमारा कॉन्टेक्ट है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी वही सेम डिसीज ट्रांसमिट हो सकती है. जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू भी सेम हो सकता है. यदि सॉइल के साथ हमारा कॉन्टेक्ट है तो हमें डिसीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है. और कभी कभी जो वैक्सीनेशन होता है, जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होता है डिसीज का वो हो जाता है. इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं हमेशा एक पेशेंट पे एक इंजेक्शन यूज करते हैं, एक बार यूज करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, अगेन न्यू इंजेक्शन यूज होता है, ताकि वैक्सीनेशन के थ्रू कोई भी डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो जाए. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू फ्लाइज, फिंगर्स, फूड एंड फ्लूइड एक्सेट्रा. जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है ये कैसे होता है? ये फ्लाइज के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू, फूड के थ्रू या फ्लूइड्स के थ्रू होता है. क्लियर? दैट इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू फ्लाइज, फिंगर्स, फूड एंड फ्लूइड्स. सिंपल है, जितने भी हमारे फ्लाइज होंगे उनकी वजह से, फूड की वजह से, फ्लूइड्स की वजह से, इन सब की वजह से ही जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो होता है. These agents are called infectious agents, और ऐसे agents जो indirect transmission को create करते हैं, that is उनको उनको बढ़ावा देते हैं या फिर उनको spread करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं infectious agents. तो समझ में आया direct transmission और indirect transmission क्या होता है? Infectious agents multiply in the vehicle. जो भी हमारा vehicle होता है, that is vehicle का meaning यहाँ पे है जो carrier है, ठीक है, उसमें जो एजेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए वायरस मल्टीप्लाइज इन वाटर. हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो वाटर में मल्टीप्लाई करता रहता है. डायरिया, टाइफाइड फीवर, कोलेरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, फूड पॉइजनिंग एंड इंटेस्टिनल पैरासाइट्स ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड. जितने भी हमारे लिए इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हुए, फूड पॉइजनिंग के एजेंट्स हुए, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड फीवर या डायरिया के एजेंट्स हुए, ये सब वाटर एंड फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं. एंड हेपेटाइटिस बी मलेरिया, साइफिलिस, सगास डिसीज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, ट्रांसमिटेड बाय बैक्टीरियस, फ्लाइज, मॉस्किटो, कॉकरोचेस, लाइस, माइट्स एक्सेट्रा. जो भी हमारे हेपेटाइटिस बी हुआ, मलेरिया हुआ, साइफिलिस हुआ, सगास डिसीज हुआ, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. जो ट्रांसमिशन है वो वेक्टर्स के थ्रू होता है. वेक्टर्स कौन से यूज होते हैं इसमें? जो हमारे फ्लाइज हुए,
मॉस्किटोज हुए, कॉकरोचेस हुए, लाइस हुए, माइट्स हुए, इनके थ्रू ये जो डिसीज हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। क्लियर। तो अभी हमने यहाँ पे काफी कुछ डिस्कस कर लिया, बट पहले उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। एंड ऑब्वियसली आई हैव टू चेक योर रिमेम्बरेंस इन दिस चैप्टर, आई एम गोना चेक योर रिमेम्बरेंस। ओके, सो टुडेज चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क इज व्हाट आर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। एक्चुअली प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर को समझने के लिए। प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस थ्रू द एजेंसी ऑफ हेल्थ वर्कर्स, विलेज हेल्थ गाइड्स एंड ट्रेन्ड भायर्स। ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के थ्रू। तो समझ पाए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं? वो सेंटर्स जिनके थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। क्लियर। ये जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनमें एस्टैब्लिश रहते हैं। यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स की एजेंसी प्रेजेंट रहती हैं, हेल्थ गाइड्स प्रेजेंट रहते हैं और ट्रेंड धायास प्रेजेंट रहती हैं, जिनकी वजह से जो ह्यूमंस हैं, जो विलेजर्स हैं या जो टाउन में रह रहे पीपल हैं, उनको एजुकेट किया जाता है ताकि वो प्रिवेंटिव मीजर, कंट्रोलिव मीजर अपनाए किसी भी डिसीज से लेके। नॉर्मली जो विलेज या टाउन से रिलेटेड पर्सन हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे। तो ये सब कहाँ पे होता है? ये सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में होता है। तो समझ में आया प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं? इट इज प्रोवाइडेड, फर्स्टली प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस थ्रू द एजेंसी ऑफ हेल्थ वर्कर्स, विलेज हेल्थ गाइड्स एंड द ट्रेन्ड धायर्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट जो हमारी डिसीजेस हैं उसके टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्जेनिटल डिसीजेस एंड एक्वायर्ड डिसीजेस, उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। उसके बारे में बाद में हमने डेफिशिएंसी और जो हमारी डिजनरेटिव डिसीजेस होती हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। आफ्टर दैट जो डिसीज है उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाय द वे आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड नाइट।